आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश की आईपीएस लॉबी से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां शनिवार को एक वायरल वीडियो ने सियासत और ब्यूरोक्रेसी में नया बवंडर लाकर खड़ा कर दिया है। यह ऑडियो परिवहन आयुक्त मधु कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों से लिफाफे लेकर ब्रीफकेस में रखे जाने से जुड़ा हुआ है। वीडियो के वायरल होते ही आईपीएस मधु कुमार को सरकार ने रात में ही हटा दिया और परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल जिस वीडियो को लेकर सियासत और ब्यूरोक्रेसी में बवंडर मचा हुआ है, वह वीडियो परिवहन आयुक्त व सरकार के करीबी रहे एडीजी वी मधु कुमार बाबू का होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि वायरल हुए तथा कथित इस वायरल वीडियो को लेकर आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से और अधिकारियों से वसूली कर रहे हैं। मामले में खास बात यह है कि वीडियो वर्षों पुराना है और जब मधु कुमार आईजी हुआ करते थे। हालांकि इस तथाकथित वीडियो के वायरल होते ही सरकार ने एक्शन लेते हुए आईपीएस मधु कुमार को मुख्यालय अटैच कर दिया और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मामले की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो में नजर आ रहे लिफाफों के अंदर है क्या, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है यह है कि आखिर इतने सालों बाद यह वीडियो अचानक से कैसे सामने आ गया? आखिर लिफाफे देने वाले कौन थे और वह यह लिफाफे क्यों दे रहे थे? इसके साथ ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसके पास यह वीडियो थे, आखिर उसने इतने साल बाद वीडियो को क्यों वायरल किया? क्या वह ब्लैकमेलिंग कर रहा था? इस तरह के कई तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वायरल हुए वीडियो के बाद उठ रहे हैं। एक अडिशनल स्पीकर रिश्तेदार है जल्दी कर।
अच्छा वो तुम अभी कहाँ, अभी अभी आए ना? चलो बाकी सब ठीक है तो नहीं? नहीं है अभी आए नहीं आप इसके आप जी नल के आए ना जी कहाँ से आया हो कौन से जिला से आया हूँ? मैं सर अभी सी आई डी से आया सर जी काम करो अच्छे से बढ़िया सर करने आए सर जी